हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 23। और अपनी इस वैलिडेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज सीखते हैं स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग के बारे में। तो जैसे हमने पुरानी वीडियो में कवर किया था कि जो हमारी लूजली बाइंडिंग होती है व्यू के और कंट्रोलर के बीच में, उसमें हम वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर हमने स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग का यूज़ किया है अपने व्यू के और अपने कंट्रोलर के बीच में, तो हम कैसे अपने वैलिडेशन को लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखने वाले हैं कि भाई वैलिडेशन स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग में क्या होते हैं। मॉडल स्टेट भाई मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, और वैलिडेशन मैसेज फॉर क्या होता है। तो देखा, अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं उसी वीडियो में चेंजेस करता हूँ जो मैंने वहाँ पर पुरानी वीडियो में जो मैंने एक एप्लीकेशन बनाई थी, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर अच्छे समझना है तो आप पुरानी वीडियो को ज़रूर देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट आज कोड से ही स्टार्ट करते हैं। मतलब चीज़ें मैंने बेसिक आपको पहले बताई रखी है कि वैलिडेशन क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं वो सब। तो चलिए अपना विजुअल स्टूडियो, तो देखिए ये मैंने वही एप्लीकेशन ओपन की है जो मैंने लास्ट वीडियो में यूज़ की थी। फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। मैं सब बंद कर देता हूँ ये। ठीक है, इसके अंदर एक हमने कंट्रोल ऐड किया हुआ है, होम कंट्रोल। उसके अंदर दो एक्शन मेथड हैं, एक हमने मॉडल क्लास दी हुई है एम्प्लॉय क्लास, जिसके ऊपर हमने वैलिडेशन लगा रखे हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड वैलिडेशन भी लगाए हैं कुछ, और ईमेल एड्रेस के भी लगाए हैं, रेंज वाले भी लगाए हैं, ये हमने सब कुछ यहाँ पे लगा रखे हैं। और इस कंट्रोलर के लिए, दोनों एक्शन मेथड्स के लिए हमने दो व्यू भी ऐड कर रखे हैं। आप यहाँ पर देखोगे व्यू होम के अंदर इंडेक्स भी है और सबमिट डेटा भी है। तो अगर मैं इसके ऊपर जाऊँ इंडेक्स के ऊपर, तो गो टू व्यू। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्म है कुछ, ये पुराने वाले का है अभी, इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका एक पूरा फॉर्म बना हुआ है जो कि डेटा सबमिट करता है, और कहाँ पे भेजता है, सबमिट डेटा एक्शन मेथड के ऊपर, कौन से के, होम कंट्रोलर के। अब होम कंट्रोलर के सबमिट डेटा पे, मतलब यहाँ पे डेटा आता है। जब मैं इंडेक्स वाले का डेटा को सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आता है वो। ठीक है, और यहाँ पे हमने चेक किया था कि एम्प्लॉई का अगर मॉडल स्टेट वैलिड है तो ये वाला रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर इंडेक्स वाला ही आ जाएगा। तो वो सब कुछ था हमारा लूजली बाइंडिंग के साथ में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग के साथ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको करने के लिए इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे आप टेक्स्ट बुक के साथ में टेक्स्ट बुक्स फोर आपको यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक्स फोर, सेम वैलिडेशन मैसेज फोर। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है आप टेक्स्ट बुक्स फोर ही यूज़ करोगे, आप एडिटर फोर का यूज़ भी कर सकते हो, आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ भी कर सकते हो, मतलब जो भी आपको ठीक लगेगा आप वो सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब आपको बताएंगे अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स फोर का यूज़ करना है तो आपको लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस का यूज़ करना होता है। कैसे करते हैं उसको, एक्स, ठीक है, फिर इक्वल, फिर ये ग्रेटर देन वाला सिंबल, एक्स डॉट और फर्स्ट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे आप मतलब लूजली बाइंडिंग में आप यहाँ पे गलती कर सकते हो। जैसे मतलब आपका सपोज मैंने ये किया तो आपको कंपाइल टाइम एरर पता ही नहीं लगेगी। ठीक है, तो उससे बचने के लिए हम स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग का यूज़ करते हैं। और सेम वही, जैसे मतलब हम लैम्ब्डा एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं और एक्स डॉट लास्ट फर्स्ट नेम, और आपको पता है कि हम यहाँ पे एक्स की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। ठीक है, तो चलिए एक बार सब सारे चेंजेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने अपने पूरे एचटीएमएल को चेंज किया है टेक्स्ट बॉक्स फोर के साथ में और वैलिडेशन मैसेज फोर के साथ में। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग है। अब बाकी इसके अलावा कहीं कुछ चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है, अब बस डायरेक्ट एप्लीकेशन को रन कर दीजिए और देखते हैं क्या बनता है। एप्लीकेशन बिहेव वैसे ही करेगी, बट मतलब आपका डेटा जो है वो डेटा आपको मतलब यहाँ पे कुछ नहीं पता लगेगा कि आपने मतलब कौन सी बाइंडिंग यूज़ की है, बट अल्टीमेटली वो यूज़ किया जाता है क्योंकि आपको कंपाइल टाइम एरर से अगर बचना है तो आप स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग का यूज़ करते हो। वैसे आपके यहाँ पे कोई भी ऐसा चेंज नहीं आता है तो आप डेटा को जैसे एंटर करते रहोगे। सपोज मैंने ये किया और क्लिक किया तो अभी भी देखो तो वैलिड ईमेल एड्रेस नहीं है, तो इसको वैलिड बना देते हैं ऐसे करके, क्लिक मी, ये हट गया। अब ये बोल रहा है कि 18 से 100 के बीच में होना चाहिए, तो चलो उसको 33 कर देते हैं, क्लिक मी, और आप देखोगे कि यहाँ के वे आ गया है। ठीक है, तो ऐसे करके आप स्ट्रॉन्गली बाइंडिंग के साथ में अपने डेटा को सेट कर सकते हो। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है वैलिडेशन समरी का। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सभी को एक एक फील्ड के साथ में हमें अपनी अलग अलग मैसेज दिखाने पड़ रहे हैं। तो अगर मुझे सारे मैसेज एक साथ एक साइड में दिखाने हैं ग्रुप करके, तो मैं उसको कैसे कर सकता हूँ, केवल एक टैग की हेल्प से। ठीक है, चलिए वो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।